हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल देव एमटीआर में। और ये है सेवरलेट वीट। और आज दोस्तों मैं इसमें बताऊंगा आपको कि आपकी एसी अगर सही से प्रॉपरली अगर ब्लोअर में सही से अगर हवा नहीं आ रही है तो आप अपनी फिल्टर को कैसे साफ़ कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो, डैशबोर्ड के नीचे में जहाँ हम सामान रखते हैं, ये है हमारा डैशबोर्ड का। तो इसमें जो नक्के होते हैं उससे आप थोड़ा सा खींच के बाहर निकाल लेंगे, जिससे कि मैं आपको आज एयर फिल्टर कहाँ पर लगा रहता है तो इसकी लोकेशन बता देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर पूरा ब्लोअर है जो कि हवा फेंकता है, और ये वाला इसके अंदर फिल्टर लगा हुआ है। तो यहाँ से हम इसको खींच लेंगे, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा एयर फिल्टर जो कि एसी का एयर फिल्टर है। देख सकते हैं इसमें से हवा नहीं आ रही थी प्रॉपरली अच्छी तरीके से। ओह माय गॉड, आप देख सकते हो कितना कचड़ा निकला हुआ है इसमें, पेड़ के पत्ते निकले हैं बकायदा। तो दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हो, नीम के पत्ते, पता नहीं कितना कचड़ा है, आप देख सकते हो इसी की वजह से हवा नहीं आ पा रही थी इसमें। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको साफ़ कर लेंगे, इसको धोना ही पड़ेगा तभी ये साफ़ होगा, नहीं तो इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। वैसे तो ये चेंज करने लायक है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता चल गया होगा, इसके बाद हमारा ये आ जाता है, इसको भी आप खोल के साफ़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये अगर आप फिल्टर को साफ़ कर दोगे तो बाहर की कोई भी गंदगी एसी में से नहीं जाएगी, बाकी एकदम क्लीन आपके पास जो है हवा आएगी। तो फाइनली दोस्तों मैंने इसको, एयर फिल्टर है जो एसी का, मैंने उसको साफ़ कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हो कंडीशन बहुत बेकार हो गई है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि आप या तो इसको चेंज ही करा सकते हो, तो मैं इसको बाद में चेंज करा लूँगा, लेकिन फ़िलहाल तो अभी ये काम कर लेगा। तो इसको मैं सेम कंडीशन में लगा देता हूँ, और ये इसका पैनल है, इसको भी मैं साफ़ कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसका जो ढक्कन है फिल्टर का, एसी के फिल्टर का, मैंने इसको साफ़ कर लिया है दोनों तरफ से। और जैसा कि आप देख रहे हो इसमें थोड़ी सी गंदगी है, तो उसमें हम जो पेंट वाला ब्रश है उससे थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं। ठीक है, बाकी ओवरऑल ठीक है सब। तो जैसा कि दोस्तों मैंने एसी का जो फिल्टर है वो साफ़ कर दिया है, और यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हो। लोकेशन आपको दिखा दिया मैंने, तो यहाँ से हमने इसको टाइट कर दिया है। अब बारी आती है इसको दोस्तों लगाने की। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें खांचे बने हुए हैं दोनों तरफ, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों में ये जो इन्हीं में ये खांचा में फंसता है, जैसे कि आप देख रहे हो ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो इसको निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। ठीक है, सबसे पहले हमको जो कोना है इसमें से फंसा देंगे, उसके बाद थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये दोस्तों लग चुका है। ठीक है, इसका जो भी सामान था इसमें रख देता हूँ, और अब मैं इसका जो एसी का ब्लोअर है उसको चला के देखता हूँ कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। पहले इसमें हवा नहीं आ रही थी, तो दोस्तों इसका जो ब्लोअर है मैंने जो साफ़ किया था, अभी एकदम मेरे मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ हवा आ रही है। जैसा कि पहले तो ये मान लो कि 25% भी हवा नहीं आ रही थी, अब पूरी की पूरी हवा आ रही है, एकदम पंखा जैसी हवा आ रही है। तो दोस्तों ब्लोअर साफ़ हो चुका है। तो दोस्तों एसी का जो फिल्टर था वो साफ़ हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो। मैंने आपको लोकेशन बता दी है, जो हमारा सामान रखने का जो डैशबोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड में होता है, वहाँ से हम इसको खींचते हैं, और वहाँ से आप एसी का जो एयर फिल्टर है वहाँ से आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। अगर कंडीशन सही है तो आप उसको साफ़ भी कर सकते हो। अब इसमें हवा भी बहुत तेज़ आ रही है, पहले बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही, क्योंकि इसमें गंदगी बहुत जमी हुई थी, जैसा कि मैंने आपको उसमें दिखाया था वीडियो में। तो दोस्तों मेरा कैसा लगा आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना। कुछ पूछना है तो कमेंट ज़रूर कर देना, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगा आपको। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच।
नेक्स्ट वीडियो आप कमेंट सेक्शन में जा मुझे बताना कि मेरे को किस टाइप की वीडियो बनानी चाहिए इस गाड़ी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।